जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज CRT टीवी में चाइना किट लगी रहती है, उसका पावर ट्रांजिस्टर बार बार उड़ जाता है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये बार बार 10 मिनट या आधा घंटा चलने के बाद ये पावर ट्रांजिस्टर उड़ जाता है, तो उसे हम कैसे रिपेयर करेंगे। तो वीडियो आप पूरा देखिए। हमारे चैनल पर अगर आए हैं दोस्तों पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस तरह की तमाम जानकारी के लिए और भी हमारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1803 को लगा लेंगे दोस्तों। तो इसकी हम सफाई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने 1803 को ओपन कर लिया है। इस सर्किट में दोस्तों बार बार पावर ट्रांजिस्टर उड़ जाती है 1803। तो चलिए हम 1803 को लगा लेते हैं, और 1803 को हम दोस्तों 1803 की जगह 1651 नंबर के ट्रांजिस्टर को हम लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं, अब हम इसे टाइट कर लेते हैं। अच्छी तरह से हमें टाइट करनी है दोस्तों, ताकि ये लूज ना रहे। अब हमने इसे टाइट कर लिया है। 1803 मार्केट में जो मिलती है दोस्तों, वो लोकल है। इससे अच्छा है कि आप किसी ओरिजिनल सर्किट से 1651 नंबर के ट्रांजिस्टर को लगाएंगे तो कुछ टिकाऊ रहेगी। और इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि ऐसा कौन सा एक पार्ट बदलने से ये 1803 बार बार जो उड़ रही है उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमें फिर से खोलना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी लूप छोटी हो गई है। हमने स्क्रू दोस्तों ऊपर वाले सिरे में टाइट कर दिया है, तो इसे हम नीचे सिरे में टाइट कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों। तो चलिए इसे अच्छे से हमें टाइट कर लेनी है दोस्तों। अब हम इसे टाइट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, और हमारे अगर हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। इस पर डे एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने आपको एक नई जानकारी देंगे। तो इसे हमें अच्छी तरह से टाइट कर लेनी है। अब आप देख सकते हैं ये टाइट हो चुकी है दोस्तों। चलिए अब इसे हम सोल्ड भी कर लेते हैं। देख सकते हैं हमने इसे सोल्ड कर लिया है। दूसरी पॉइंट भी हो गई। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम प्रयास करेंगे कि उस पर एक दूसरी वीडियो हम आपको बनाएं। तो जो भी आपकी क्वेरीज है इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। अब ये हमने 1803 की जगह 1651 नंबर के ट्रांजिस्टर को लगा लिया है। इसे थोड़ा सा हम चिमटी या किसी ब्लेड की सहायता से उसे किनारे से सफाई कर लेंगे, ताकि ये शॉर्ट ना रहे दोस्तों। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अब हम 1000 वोल्ट DC 1000 वोल्ट की रेंज में हमने रख लिया है, और हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए AC वायर को हम लगाते हैं प्लग में। अब हमने AC को लगा लिया है। ये ध्यान रहे दोस्तों, ST वायर है उसे हमें सर्किट से काफ़ी दूर रख लेनी है, और CRT बेस को भी थोड़ी किनारे कर लेनी है। ST वायर को काफ़ी दूर, क्योंकि करंट बन जाएगी तो दोस्तों सर्किट में लाइट आ सकती। अब हम सबसे पहले मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज को चेक कर लेंगे। कैपेसिटर पे वोल्टेज हमारी नहीं आ रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं कैपेसिटर पर वोल्टेज नहीं आ रही है। अभी ये चालू थी दोस्तों, ये इसमें हाँ ये दोस्तों ये इसकी AC वायर लग रही है, टूट गई है। तो चलिए AC वायर को भी हम जोड़ लेते हैं। ये उलट पलट करने में दोस्तों ये AC की केबल टूट गई है।
एसी वायर को भी जोड़ लेते हैं। और जब भी सीआरटी टीवी के सर्किट को चेक करें दोस्तों, तो कोशिश करें सीरीज बोर्ड में ही लगाकर चेक करें। तो चलिए, अब हमने इसे जोड़ लिया है और एसी को भी हमने लगा लिया है। अब देखिए, हम कैपेसिटर पर चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, 250 वोल्ट हमारी आ रही है। ये 262-265 के करीबन हमारी वोल्टेज आ रही है। चलिए 110 को भी हम चेक कर लेते हैं। 110 ये हमारी क्या बता रही है, 110 भी हमारी आ रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं। 110 वोल्ट भी आ रही है, उसके बगल में हमारी वोल्टेज आ रही है दोस्तों, उसके बगल में 26 वोल्ट, उसके बगल में 12 वोल्ट, और ये हमारी 16 वोल्ट जो कि स्पीकर के लिए जाती है। चलिए स्पीकर ऑडियो सिस्टम को भी हम देख लेते हैं। ऑडियो सिस्टम के फर्स्ट पॉइंट पे हमारी ऑडियो आउट हो रही है, ये देखिए 8 वोल्ट आ रही है। तो स्पीकर के ऑडियो जो स्पीकर पॉइंट के लिए निकलता है दोस्तों, जो वोल्टेज हमारी जा रही है, अगर 16 वोल्ट जा रही है तो उसका हाफ 8 वोल्ट निकलेगा, अगर 18 जा रही है तो 9 वोल्ट हमारी निकलेगी। अब देख सकते हैं पावर ट्रांजिस्टर पर भी हमारी 103-105 वोल्टेज आ रही, अप डाउन हो रही है। तो चलिए, ये बार बार क्यों उड़ जा रही है दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं। कैपेसिटर हमारी 400 नहीं हो गई है, तो उसे हम डिस्चार्ज कर लेंगे। डिस्चार्ज प्लस और माइनस सिरे को, नेगेटिव को आपस में शॉर्ट, उसी में शॉर्ट कर देंगे दोस्तों, कैपेसिटर को शॉर्ट कर देंगे, तो ये हमारी डिस्चार्ज हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये हमारी अभी कोई भी गर्म नहीं हो रही है, हल्की ये पावर ट्रांजिस्टर गर्म हो रही है क्योंकि ये बार बार उड़ जा रही है। तो ये जो रेड वाली पीएफ है दोस्तों, ये 2000 वोल्ट की जो या 1600 वोल्ट की लगी रहती है, ये हमारी प्रॉब्लम कर रही है। तो इसी की वजह से बार बार हमारा पावर ट्रांजिस्टर उड़ जा रहा है। तो चलिए हम इसे बदल देते हैं। आप देख सकते हैं ये 912J 2000 वोल्ट की है, तो उसकी जगह हम 1600 वोल्ट का कैपेसिटर लगा देंगे। तो चलिए 1600 वोल्ट के भी कैपेसिटर को हम लगा लेते हैं। ये हमारी आ गई दोस्तों दूसरी कैपेसिटर, ये पीएफ कैपेसिटर है दोस्तों। तो इस पीएफ कैपेसिटर को हम चेंज कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हो जानी चाहिए, फिर हम इसे कुछ देर लगाकर चेक कर लेंगे। और टीवी को काफ़ी आधे घंटे एक घंटे हम चलाकर छोड़ देंगे, ताकि अगर और कोई भी समस्या हो या वोल्टेज अप डाउन कहीं और पावर सप्लाई से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर समस्या यही है दोस्तों, इसी की रहेगी, इसलिए हमारा समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। फिर भी हम इसे लगाकर आधा या एक घंटा टीवी को चलाकर चेक कर लेंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम फिर से ना आए। तो ये हमने लगा लिया कैपेसिटर को, अब इसे भी हम सोल्ड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एसटी जो वायर है दोस्तों, एसटी वायर को हमें ये सर्किट से दूर कर लेनी है, क्योंकि वहाँ 180 वोल्ट बनती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारी, अब हम 110 को नाप लेते हैं। ये देखिए 107 वोल्ट, 105 वोल्ट, 106, 8, 9, 10 इतनी वोल्टेज हमारी आ रही है। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आप देख जान सकते हैं कि ये पावर ट्रांजिस्टर बार बार क्यों उड़ती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ एक बार और इसको भी देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ 180 हमारी आ रही है या नहीं, यहाँ पर भी हमारी वोल्टेज आ रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।